नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ सकुरपुर जे कॉलोनी, जिसकी विधानसभा क्षेत्र जो लगती है वो त्रिनगर है। और मेरे साथ आप देख रहे हैं ई रिक्शा चलाने वाले कुछ भाईजन हैं, दिल्ली के नागरिक हैं और दिल्ली के वोटर भी हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिनके एक घर से कम 35 वोट आने वाले हैं। आप बीच में आइए, है ना, अपना नाम बताइए। रमेश कुमार जी। हाँ हाँ जी, आप बताइए 35 वोट जो आपके परिवार पे हैं, क्या लगता है फरवरी 2020 का जो विधानसभा चुनाव होगा 35 वोट किस पार्टी को जाएंगे? आप वाले को जाएंगे जी, आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी को। क्यों आम आदमी पार्टी? क्यों, काम बढ़िया कर रही है। अच्छा, पूरा परिवार जो है एक ही पार्टी को सपोर्ट करता है, दूसरी पार्टी को नहीं सपोर्ट? नहीं, कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट। किसी को राहुल गांधी नहीं पसंद? नहीं। किसी को प्रधानमंत्री मोदी नहीं पसंद? नहीं। सर आपके पास भी आएंगे जी? हाँ जी। सबको केजरीवाल अच्छे लगते हैं? दिल्ली, हाँ, दिल्ली सरकार केजरीवाल है। अच्छा, तो आप बताइए, आप ई रिक्शा चलाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट आपको क्या मिला आम आदमी पार्टी से ये 5 साल में? यही बेनिफिट है, सब्सिडी दिला दी और भाई काम सही चल रहा है रिक्शों का, नहीं तो रिक्शे बंद हो जाते, केजरीवाल नहीं होता तो। जी, ये सारे ई रिक्शा वालों के प्रधान जी हैं। आप बताइए क्या लगते हैं 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी निकल कर आएगी फिर से सत्ता पे बैठने के लिए 5 साल के लिए? देखो, ये ऐसा है, हमारे हिसाब से तो, रिक्शे वालों के हिसाब से तो आम आदमी पार्टी के आने की उम्मीद है, क्यों गरीबों के हक में तो आम आदमी पार्टी है, बाकी सब क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? कि सब काम अच्छे लगे। देखो, जगह जगह ये मोहल्ला क्लिनिक खिलवा दिए हैं। आपको फायदा हुआ उससे? बिल्कुल फायदा हुआ है। हॉस्पिटलों में दवाई फ्री है, बिजली का भी बिल माफ कर दिया है, पानी का बिल माफ कर दिया है, बसों में लेडीजों का किराया फ्री कर रखा है, बहुत कुछ करा है। और आगे सरकार आएगी तो आगे पता नहीं क्या बहुत कुछ करेंगे। आप दोबारा मौका देना चाहते हैं? देंगे जी, बिल्कुल दोबारा मौका देंगे, हम सब रिक्शे वाले भाई दोबारा मौका देंगे। अच्छा, सारे रिक्शे वाले भाई दोबारा मौका देंगे ऐसा आप कह रहे हैं। आप लोगों का क्या लगता है कि फिर से अरविंद केजरीवाल ही आने चाहिए या दूसरे पार्टी को मौका मिलना चाहिए? वही आने चाहिए, वही आने चाहिए, अरविंद केजरीवाल। हाँ जी। अच्छा, उससे बहुत फायदा मिला है हमारे को। क्या फायदा मिला? मेरी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, फ्री। प्राइवेट स्कूल में फ्री की सरकारी स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ती है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फायदा आपको मिला है कि आपकी बेटी जो है वो प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ती पढ़ती है, और बिजली पानी तो है ही फ्री। और कितना बिल आया था आपका लास्ट? जीरो। जीरो बिल आया था, तो जेब से तो काफी राहत मिली होगी। बहुत ज्यादा, हमें तो इस चीज की ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम कमाते हैं वहीं दे देते थे। सर, आप कुछ बता रहे हैं, आइए आइए कैमरे में आइए, कितना बिल आता था आपका बता रहे हैं? मैम 800-900 रुपया आ रहा था, अब बिल माफ है मैम, कोई भी नहीं आ रहा, बिल बिल्कुल जीरो आया, हमारा भी जीरो आया। अच्छा, केजरीवाल अच्छा काम करे मैम। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल है, प्राइवेट में लड़की है मेरी। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय में है मैम। अच्छा, तो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है जी, कितना देना पड़ता है आपको? मुझे तो अभी मैम 1500 रुपया 3 महीने का देना पड़ा, 500 रुपये का हिसाब से। उसमें पहले मैं एडमिट नहीं लेता था, अब एडमिट ले लिया मैम, इसका बहुत अच्छा किया है केजरीवाल, ये चीज़ अच्छा किया मैम। ये सकुरपुर, हम लोग जे कॉलोनी में है, यहाँ पर ई रिक्शा वालों की आप देख रहे हैं जैसे कतार है, और ये सारे दिल्ली वोटर्स हैं, क्योंकि हमने उन्हीं से बात की जो दिल्ली वोटर्स हैं। और सबका ये कहना है कि इस बार हम लोग की जो टीम है, ई रिक्शा वाले जो भाई बहन हैं, वो आम आदमी पार्टी को वही वोट देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सीधे हमें मुनाफा पहुँचा है, हमारी जेब को राहत मिली है। तो हम फिर से चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनकर आए। तो ये था सकुरपुर का जो रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल का। अभी देखना होगा कि अगले विधानसभा चुनाव जो हम लोग क्षेत्र जाएंगे वहाँ पर क्या मिजाज मिलता है, या कुछ ऐसा ही होगा या कुछ डिफरेंट विचारधारा हमारे बीच आएगी। नमस्कार।